सुना है कभी कोई भिखारियों से व्यापार किया हो? ये लोग 100 में 100 लाते हैं, 90 बेचते हैं। तो उनसे कितने रुपए में ये वापस लेते हैं? इनमें 100 में 100 लेते हैं। सिक्के बहुत मिलते हैं, 15-20 साल हो गए। ये सर जाटी लोग आते हैं ना, वो गरीबों को बांटने के लिए लेते हैं। तो ये जो सिक्के हैं, आप ये सिक्के कहाँ से लेते हैं? ये सर हम लोग उन्हीं से फिर वापस ले लेते हैं। व्यापार, ज़्यादातर लोग व्यापार, खुद का अपना व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा व्यापार दिखाएंगे। आपने सुना है कभी कोई भिखारियों से व्यापार किया हो? हाँ जी हाँ, यहाँ भिखारी से भी व्यापार होता है। हम बात कर रहे हैं जो दरगाह के बाहर या रेड लाइट या इधर उधर मांग कर खाते हैं, और उन लोगों से जो व्यापार करते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको व्यापार। ये देखिए, पीछे एक भाई साहब हैं जो कि सिक्के यहाँ कह सकते हैं कि बेच रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। इनका मकसद है कि जो लोग यहाँ दरगाह पर आते हैं और जो दान करते हैं, उन लोगों को चिल्लर की ज़रूरत होती है। जो लोग जो दरगाह के आसपास भीख मांगते हैं, उन लोगों को चेंज देने की, तो ये उन सिक्कों को उन लोगों को देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, ये सिक्के कहाँ से इन पे आते हैं और ये लोगों को कैसे देते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज साहब, ये आप जो सिक्के एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कैसे करते हैं? 15-20 साल हो गए। ये लोग 100 में 100 लाते हैं, 90 बेचते हैं। अच्छा, मतलब कोई अगर आपसे 100 रुपये के सिक्के ले तो आप उनको 90 रुपये देते हैं। कौन लोग लेते हैं आपसे ये सर? जाटी लोग आते हैं ना, वो गरीबों को बांटने के लिए लेते हैं। तो ये जो सिक्के हैं, आप ये सिक्के कहाँ से लेते हैं? ये सर हम लोग उन्हीं से फिर वापस ले लेते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ दरगाह पर जो भीख मांगते हैं, जो उनको लोग दे जाते हैं, उन्हीं से उनसे वापस ले लेते हैं। तो उनसे कितने रुपए में ये वापस लेते हैं? इनमें 100 में 100 लेते हैं। 100 में 100 लेते हैं। और जो आप जाहिर इनको देते हैं? 100 में 90 देते हैं। अच्छा, तो दिन भर में अगर कारोबार की बात की जाए तो कितने सिक्के एक्सचेंज कर देते हैं? 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार रुपये के सिक्के? तो कब से कर रहे हैं आप ये सर? लगभग 15 साल करीब हो गए। 15 साल से। और कितने लोग हैं जो इस तरीके का यहाँ कारोबार कर रहे हैं? सर यहाँ पे बहुत सारे जने हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं। कम से कम 20-25 जने होंगे। कभी कोई सिक्कों की दिक्कतें आई, कमी पड़ी हो, जैसे इतने लोग, हजार लाखों लोग यहाँ आते हैं? नहीं, कभी कमी नहीं पड़ी है। सिक्के बहुत मिलते हैं, बराबर। हाँ, बराबर चलते होते हैं। कभी कभी कम नहीं पड़ा यहाँ पे। तो देखा, ये है मोहम्मद फैयाज जो कि अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर सिक्के एक्सचेंज का काम करते हैं, और ये जो यहाँ जो भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, उन्हीं से ये सिक्का लेते हैं। और जो आने वाले, मैं दिखाऊंगा कि ये जो दरगाह का गेट है, इसको निजाम गेट बोला जाता है। जो अजमेर शरीफ की दरगाह का गेट है, इसको निजाम गेट बोला जाता है, और यहीं से ही मुख्य द्वार है। यहीं से ही जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसी की एंट्री यहीं से होती है, और ये इसी के इर्द गिर्द यहाँ से जो आने वाले जरीन है, जो लोग यहाँ जियारत करने को आ रहे, जो मन्नत मांगने को आ रहे, वही लोग यहाँ से इनसे सिक्के लेते हैं और जो गरीबों में तकसीम करते हैं, और वही गरीब जो मांगने वाले हैं वो इन फैयाज भाई को यहाँ से एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार से ये 10% पर लोगों को सिक्के मुहैया कराते हैं। अजमेर शरीफ से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम।